नमो नमः। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण में शब्द शक्तियों के विवेचन के अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति की जिस प्रकार विश्वनाथ कविराज ने व्याख्या की है, लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण और उसके भेद सहित उदाहरणों का विवेचन किया गया है, तो अत्यंत सरल और अंग सुबद्ध है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षण, सामान्य लक्षण और उसके जो भेद है रूढ़िमूला एवं प्रयोजनमूला, इन दोनों के उदाहरण बताने के पश्चात अब उनमें कुछ तर्क वितर्क यानी पूर्व पक्षों की आशंकाएं हैं तो उनको भी उपस्थापित करते हैं और पुनः उनका खंडन भी वे बड़े तर्कपूर्ण तरीके से करते हैं। तो इस प्रकार है, पहले उन्होंने मुख्यार्थ बाधतर योगे रूढ़ितोत प्रयोजना इस प्रकार लक्षण निरूपण करने के पश्चात उन्होंने जो भेद निरूपण किए रूढ़िमूला और प्रयोजनमूला उसके उदाहरण है कलिंग साहसिका और गंगायाम घोषा समझाया। तो यहाँ अगर रूढ़ी हेतु रूपी रूढ़ी और प्रयोजन मूला रूपी हेतु का अगर निरूपण नहीं करते तो कहीं भी किसी भी प्रसंग में लक्षणा का प्रसंग आ सकता है, इसलिए इस प्रकार रूढ़ी या प्रयोजन रूपी हेतु की आवश्यकता है। इन्होंने कहा, फिर आगे कहते हैं केचित् कर्मणि कुशलः इति रूढ़ौ उदाहरन्ति। कुछ लोग कर्मणि कुशलः इस वाक्य में रूढ़िमूला में पर इस वाक्य को रूढ़िमूला में रूढ़िमूला लक्षणा में उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं। रूढ़िमूला लक्षणा बा के रूप में वह उसके उदाहरण के रूप में इसको स्वीकार करते हैं कि कर्मणि कुशल हो। वह कर्मणि कुशल में कहते हैं यहाँ रूढ़िमूला लक्षणा सन्निहित है, वह रूढ़िमूला लक्षणा की आवश्यकता है। क्यों यहाँ लक्षणा की आवश्यकता है, फिर रूढ़िमूला लक्षणा की आवश्यकता क्यों है, तो इसको समझाते हुए आगे करें। तेसा अभिप्राय उनका ये अभिप्राय है, माने जो लोग कर्मणि कुशल को रूढ़िमूला लक्षणा के उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं उनका ये तर्क है व उनका ये आशय है। कहने का मतलब है कि कुशल लाती इति व्युत्पत्ति लभ्य कुशग्राही रूप मुक्षु अर्थ प्रकृते असंभवन विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधिनम दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। मगर कुशान लाती थी कुशलाह, कुशाओं को जो तोड़ता है वो कुशल है, कुशाओं को जो तोड़ता है या लाता है वह कुशल है। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाला कुशग्राही रूप मुख्य अर्थ है, कुशल का मर्तव यह है कि कुशाओं को लाना, तो वह मुख्य अर्थ यहाँ प्रकृति असंभव यहाँ कर्मणि कुशल में अगर कुशाओं को लाना वाले अर्थ लें तो वह वास्तविक यहाँ अर्थ असंगत हो रहा है, संगत नहीं हो रहा है, अर्थ अन्वित नहीं हो रहा है। तो इसलिए विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधी विवेचकत्व जो साधर्म्य है
ये कुसाओं को तोड़ने के लिए एक तरीका चाहिए, आवश्यकता है। सामान्य घास को तोड़ने के लिए जिस तरीके की आवश्यकता है उस तरीके से कुसाओं को तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे सामान्य तरीके से मेरे हाथ में घाव हो सकता है, हाथ कट सकता है, तो इसलिए उसको तोड़ने के भी एक चतुराई चाहिए, तरीका चाहिए, एक कुशलता, एक दक्षता, एक निपुणता, एक विशेष प्रकार की आपको तरीका को अपनाना पड़ेगा। तो वह जो है कुशलता दक्षता वाली जो साधर्म है उस संबंध से संबंधी जो दक्ष रूपी अर्थ है उसको बोधित कराता है कि कुशल का अर्थ है दक्ष है, निपुण, न तो कुशां लाती थी कुशल है कुशाओं को तोड़ने वाली जो मुख्यार्थ नहीं करके मालक्षार्थ को लिया कि कुशल रूपी अर्थ को लिया। इसलिए कर्मणि कुशल में क्या करना पड़ेगा, लक्षण का ग्रहण करना पड़ेगा और वो भी प्रसिद्धि है। कुशल शब्द जो है कुशां लाति कुशल है, ये प्रसिद्धि के अर्थ में, यहाँ कोई हेतु नहीं है, यहाँ प्रसिद्धि है। हेतु तो रूढ़ी मिला हेतु है लेकिन यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, अभी तो प्रसिद्धि है। इसीलिए दक्ष रूपी अर्थ को ग्रहण करने के लिए तो यहाँ रूढ़ी मूला लक्षण की आवश्यकता है, परंतु तत् अन्य न मन्यन्ते, उसको दूसरे लोग नहीं स्वीकारते, नहीं मानते। तो उनसे जो लोग ये कर्मणि कुशल में रूढ़ी मूला लक्षण कहते हैं उसको उनसे तदितर लोग जो है तद्भिन्न जो लोग हैं तद मतानु मत के जो विरोधी है तो वे उसको न मन्यन्ते, नहीं मानते, अर्थात तद अन्य उनसे अन्य दूसरे कौन है हम भी नहीं मानते, अर्थात विश्वनाथ कविराज भी कर्मणि कुशल में लक्षणा की जरूरत है ऐसा नहीं समझते। क्योंकि कुशग्राही रूपार्थस्य व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि, कुशग्राही रूप अर्थ की व्युत्पत्ति लभ्यता होने पर भी दक्ष रूपस्य मुख्यार्थत्वा, दक्ष रूप ही उसमें मुख्यार्थ है। कुशल हमें भले व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुशान लाते थे कुशल हो परंतु उसका मुख्यार्थ भी दक्ष रूपी अर्थ है, वो लक्ष्यार्थ नहीं है। अन्यदि शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम, क्योंकि शब्दों की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक व्युत्पत्ति निमित्त प्रवृत्ति नहीं, दो प्रकार का अर्थ निकलता है, एक व्युत्पत्ति निमित्त तर्थ एक प्रवृत्ति निमित्त अर्थ। तो उसके शब्दों की जो अर्थ अभिव्यक्ति में क्या होता है दो प्रकार का कारण बनते हैं, दो कारण होते हैं, एक व्युत्पत्ति कारण एक प्रवृत्ति कारण। और व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे, अगर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को हम मुख्यार्थ के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो इसमें अनेक अनिष्ट आपत्ति आएगी। हमें तो प्रवृत्ति लभ्य प्रवृत्ति निमित्तक अर्थ को मुख्यार्थ मानना पड़ेगा, व्युत्पत्ति से लभ्य जो अर्थ को मुख्यार्थ नहीं मानेंगे, अभी तो प्रवृत्ति से लभ्य जो अर्थ है मुख्यार्थ मानना पड़ेगा। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के मुख्यार्थ मानने पर क्या दिक्कत आएगी, न गहू इत्यत्रापि लक्षण स्यात्, गहू सेते इत्यत्रापि लक्षण स्यात्, गहू सेते गाय लेट रही है, तो गहू का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या, गच्छतीति गहू, फिर वही यहाँ मुख्यार्थ का बाद हो गया, मुख्यार्थ का प्रकृति में असंभव हो गया। अगर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को मुख्यार्थ मान ले, गच्छतीति गहू, भाई जो जा रही है वो कैसे लेट रही है, जाना और लेटना दोनों विपरीत धर्म हो गए, तो इसलिए हमें यहाँ लक्षणा में लेना पड़ेगा कि गोहु सेते, यहाँ लक्षण आके से हम निकालेंगे कि गोरूप मुख्यार्थ जो है गच्छति गोहू नहीं है, अभी तो गोहू गोत्वाच गोत्व जाति विशिष्ट जो प्राणी है वह सो रही है, इस प्रकार करना पड़ेगा। कि गमेर डोह उणादी थी गम धातु डो प्रत्यय उत्पादित से गो शब्द से शयन काल प्रयोग, शयन काल में प्रयोग हुआ,
तो इसलिए ये जो दिक्कत है तो यहाँ ये समस्या आएगी, इसलिए यहाँ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम प्रवृत्ति लब्ध अर्थ को लेंगे, कर्मणि कुशल में प्रवृत्ति लब्ध अर्थ जो है कुशान लात इति कुशल नहीं है, अपितु कुशल रुषा जो दक्ष अर्थ है वह मुख्य अर्थ है, अपितु वो व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ नहीं लेंगे। तद भेदानाह, अब उस लक्षणा के भेदों का निरूपण कर रहे हैं, लक्षणा कितने प्रकार की थी, लक्षणा के भेद में कह रहे उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षणा नामक दो भेद होते हैं। उनका लक्षण इस प्रकार है, मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेन्मय सिद्धे स्यादात्मनोपिपादान देशोपादान लक्षण। मुख्यार्थस्य धन इतराक्षेप, मुख्यार्थस्य इतराक्षेप, वाक्यार्थे धनन्मय सिद्धे वाक्यार्थे न्मय सिद्धे स्याद धन आत्मनः धन अपि धन उपादान धन एसा धन उपादान लक्षण स्यादात्मनोपिपादान देशोपादान लक्षण। तो उपादान लक्षण 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 में से जो उपादान लक्षण उसका लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ कविराज कह रहे हैं कि मुख्यार्थस्य इतर आक्षेप वाक्यार्थी अन्य सिद्धि स्यादात्मनोपिपादान देशोपादान लक्षण, बोले वाक्यार्थी अन्य सिद्धि या वाक्यार्थी मुख्यार्थस्य अन्य सिद्धि यदा इतराक्षेप होती तदा आत्मनः अपि उपादानात् ऐसा उपादान लक्षण स्यात्। बोले वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे, वाक्यार्थे मुख्यार्थस्य अन्वय सिद्धे, वाक्यार्थ में मुख्यार्थ की अन्वय की सिद्धि के लिए, मुख्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए जब मुख्यार्थ बाध हो जाता है वाक्यार्थ में, उसका संबंध नहीं बैठता है, असंबंधित हो जाता है, तब उसकी संबंधित संबंधता को सिद्ध करने के लिए, उसको अन्वय सिद्धता को सिद्धि करने के लिए, अन्वय प्रतिपादनता को सिद्धि करने के लिए इतराक्षाप इतराक्षेप इतर माने मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ का आक्षेप किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है, उपादान किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तब आत्मन अपि उपादान स्वयं के भी उपादान से स्वीकार किए जाने से अर्थात स्वयं मुख्यार्थ के भी स्वीकार किया जाने से ऐसा उपादान लक्षण, ये उपादान लक्षण कही जाती है। अर्थात जब वाक्यार्थ में मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाएगा, परंतु करने के लिए जब इतराक्षेप, जब मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का स्वीकार ग्रहण किया जाता, एडप्ट किया जाता, साथ ही मुख्यार्थ का भी ग्रहण किया जाता, मुख्यार्थ अपने आप को नहीं छोड़ता, उसका भी ग्रहण होता और प्लस इतराक्षेप माने दूसरे अर्थ का भी ग्रहण किया जाता, दोनों अर्थ का ग्रहण होने के कारण एक साथ, तो ये उपादान लक्षणा कहलाती है। अब ये उपादान लक्षणा भी के भी दो प्रकार के हैं, एक रूढ़ी मूला एक प्रयोजन मूला, रूढ़ी मूला उपादान लक्षणा और प्रयोजन मूला लक्षण उपादान लक्षणा। रूढ़ी मूला उपादान लक्षणा का उदाहरण है श्वेतः धावती, श्वेतः धावती, श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत क्या है एक गुण विशेष, श्वेत रंग है, वर्ण है, जो वर्ण विशेष है वो गुण है, श्वेत नामक गुण वर्ण वर्ण वर्णात्मक जो गुण है वो कैसे दौड़ेगा, श्वेत सफेद रंग कैसे दौड़ेगा, तो यहाँ प्रकृति में असंभव हुआ, यहाँ वाक्यार्थ की अन्वय सिद्धि नहीं हो पाई, इस वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए मुख्यार्थ की अन्वय सिद्धि के लिए क्या करेंगे ना, या इतर आक्षेप दूसरे अर्थ का आक्षेप किया गया है, दूसरा अर्थ कौन है ना अश्व, श्वेतः अश्व धावती, सफेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ इतराक्षेप तो हुआ
अश्वरूपी अर्थ जो है, जो कि मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ, उसका तो ग्रहण हुआ, साथ ही श्वेत जो अपना जो अर्थ है मुख्य अर्थ है उसको भी स्वीकार किया गया, मुख्य अर्थ का भी ग्रहण हुआ, इतराक्षेप हुआ। श्वेत अश्वधावत, केवल अश्वधावत नहीं कह रहे, श्वेत अश्वधावत सफेद रंग का, यह मुख्य अर्थ का भी ग्रहण हुआ और दूसरे अर्थ का भी ग्रहण हुआ, एडप्ट हुआ। तो इस प्रकार ये उपादान लक्षण हुई। और रूढ़िमूला क्यों कहेंगे, नहीं प्रसिद्ध है कि श्वेत रंग का जो घोड़ा है तो वो दौड़ रहा है, श्वेत धावती कहने पे कि वहाँ प्रसिद्ध है श्वेत रंग का, और कौन दौड़ेगा, घोड़ा ही दौड़ता ही प्रसिद्ध है, रूढ़ी है। और प्रयोजनवती उपादान लक्षण का उदाहरण कर रहे हैं, कुंता प्रविशंती, कुंत प्रवेश कर रहे हैं, कुंत एक अस्त्र विशेष, वो कैसे प्रवेश करेंगे, निर्जीव है, पे प्रवेश करना जो धर्म है वह चेतन धर्म है, अचेतन कुंत है, तो उनका कैसे वहाँ अन्वय सिद्धि होगी मुख्यार्थ की, इस मुख्यार्थ की अन्वय सिद्धि के लिए कुंता का प्रवेश करने, कुंत का जो कुंतरूप जो मुख्यार्थ की वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए यहाँ हम इतराक्षेप करेंगे, कुंता अर्थात कुंत धारिण पुरुषा धावंती ही, एक कुंत धारिण पुरुषा प्रविशंती, कुंत को कुंत धारण करने वाले जो पुरुष प्रवेश करते, जो पुरुष रूपी अन्यार्थ का तो क्या हुआ, उपादान हुआ, स्वीकार किया गया, साथ ही कुंत भी अपने आप मुख्यार्थ को भी स्वीकार यहाँ किया गया, कुंत को धारण करने वाले पुरुष प्रविशंती प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ प्रयोजन क्या है, न पुरुष कुंत कुंतधारिण पुरुषा धावंती कहने, प्रविशंती कहने में वह प्रयोजन सिद्धि नहीं है, उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी जिस प्रयोजन की सिद्धि कुंता प्रविशंती कहने पर होती। अत्यंत तीव्रता से, तीव्रता रूपी अर्थ जो है और अत्यंत घातक व अभी जा करके वो आक्रमण करने वाले, इस प्रकार के जो अर्थ है वो कुंतों से अभिव्यक्त होता है, परंतु कुंता कुंतधारिण पुरुषा धावंती से नहीं होगा, इसलिए यहाँ लक्षण का प्रयोग करने के लिए, प्रयोजनवती लक्षण का प्रयोग करने के लिए कुंता प्रविशंती इस प्रकार प्रयोग किया गया है। अनयो ही श्वेतादि भी कुंतादि भीश्च अचेतनतया, तो ये जो दोनों श्वेत और कुंत, श्वेताश्वधावती और कुंत कुंता प्रविशंती, ये अचेतन है, चेतन नहीं है, और केवल ही धावन प्रवेशन क्रिय, केवल दौड़ना और प्रवेश करना घोड़ों को, श्वेत का दौड़ना और केवल श्वेत का दौड़ना और केवल कुंतों का प्रवेश करना, इस क्रियाओं का कर्तृत्व या अन्वयम अलभमान ही, कर्तृता के रूप में अन्वय को न प्राप्त करने के कारण कर्तृता सिद्ध नहीं हो रही। कर्तृता सिद्ध तब होगी जब श्वेत अश्व धावती, श्वेत अश्व होगा कर्ता, और या कुंतधारिण पुरुषा तब जाके होगा, तब एतत् सिद्ध है, इस कर्तृता को कर्तृत्व को सिद्धि करने के लिए, श्वेत की कर्तृत्व और कुंतों की कर्तृत्व की सिद्धि के लिए आत्म संबंधी अश्वादय, उससे संबंधित अश्वादि श्वेत अश्व और कुंत पुरुषा कुंतधारिण पुरुषादय आक्षिप्यन्ते, आक्षिप्त होते हैं। और पूर्वत्र प्रयोजन अभावत रूढ़ी, श्वेत धावती इसमें प्रयोजन का कोई अभाव नहीं है, प्रयोजन का अभाव है, प्रयोजन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए रूढ़ी है। उत्तरत्र माने कुंता प्रविशन्ति इत्यत्र कुंतादिनाम अति गहन प्रयोजन, कुंतों का अत्यधिक निगुण प्रयोजन जो मैंने बताया अभी, सुतीक्ष्णता तीव्रता प्रचंडता आदि का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन यहाँ है। अत्र तो मुख्यार्थस्य आत्मनः अपि उपादानम्, यह मुख्यार्थ का स्वयं का भी उपादान होता है, इसलिए उपादान लक्षण है। मुख्यार्थ जो श्वेत और कुंत ये भी अपने अपने अर्थों को भी ले रहे हैं। लक्षण लक्षणायाम तु परस्यैव उपलक्षणमिति अनयोभेदः, परस्य माने मुख्यार्थ से भिन्न जो अर्थ है उसका ही उपलक्षणम, उसका ही ग्रहण होता है, ये इन दोनों में अंतर है। यम अजहत स्वार्थ इति उच्यते, इसी को उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं, क्यों न जहत स्वार्था, अपने स्वार्थ को परित्याग नहीं करने वाली जो लक्षणा, जहत स्वार्था माने जो स्वार्थ को परित्याग करती है,
ये जहत अजात स्वार्थ क्यों ना स्वार्थ को त्याग नहीं कर रही। ये लक्षण भाई चाहे श्वेत धावती करो चाहे कुंतः प्रवेश करो, दोनों में जो मुख्यार्थ जो शब्द है जो मुख्यार्थ है मुख्यार्थ का यहाँ परित्याग नहीं हो रहा है। भले ही इतराक्षेप दूसरे अर्थ का ग्रहण किया जा रहा है परंतु मुख्यार्थ साथ साथ ग्रहण मुख्यार्थ का साथ साथ ग्रहण किया जाता है। श्वेत भी अपने साथ चल रहा अश्व के साथ चल रहा है, यहाँ कुंत भी पुरुष के साथ 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 चल रहा है, इसीलिए अजहत स्वार्थ इसी को कहते हैं। विद्यार्थियों आज यहीं विराम लेते हैं, इसके बाद अग्रिम कक्षा में लक्षण लक्षणा का विवेचन करेंगे। धन्यवाद।